हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम 2018 और 19 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है कहाँ का, ये क्वेश्चन जेयूटी का है। ठीक है, जेयूटी का मतलब झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, 2019 में बोले तो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था जो जेयूटी बोला। इससे पहले ये क्या था, इससे पहले ये एसबीटी था। तो अगर 2018 का बात करें तो ये हमारा एसबीटी के टाइम का क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार से भी उस तरह का ही सिलेबस हो गया है पुराने सिलेबस के जैसा चेंज होने के बाद। तो हम आज ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो है, ये हमको शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन निकालना है तो ए जो है उसको हम एक्स कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ए ही देना, एक्स ही देना चाहिए। तो अगर एक्स को ये मैट्रिक्स है, चलिए हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक्स देना चाहिए, या फिर ये क्वेश्चन को इस तरीके से चेंज कर देना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस सेवन इक्वल टू जीरो प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो एक्स और ए को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई एक्स हमारा फाइव थ्री माइनस वन और माइनस टू है, ठीक है, और हमको क्या बोला कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप देखिए ये क्वेश्चन 2018 में भी है और उसके जस्ट एक साल के बाद 2019 में भी आया हुआ है। उस वक्त मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ करता था 2019 में। ठीक है, तो ये मेरे टाइम का क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक्स इंटू एक्स अगर लिखे हैं तो ये फाइव थ्री माइनस वन माइनस टू हो गया, और ये फिर से हम लिखेंगे फाइव थ्री माइनस वन माइनस टू। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करना है अगर, तो क्या करेंगे, पहला रो पहला कॉलम के साथ, फिर पहला रो दूसरे कॉलम के साथ। फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव, प्लस थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री। इसी तरीके से ये फाइव को थ्री से करेंगे, फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन, फिर ये थ्री जो है वो माइनस टू से होगा तो थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स, फिर ये माइनस वन को फाइव से करें तो माइनस फाइव, फिर माइनस टू को माइनस वन से करें तो माइनस टू इंटू माइनस वन हो जाएगा आपका प्लस टू, फिर यही माइनस वन थ्री के साथ होगा तो माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री, और ये माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस फोर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल रहा है हमको, एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल रहा है ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री यानी कि ट्वेंटी टू, 15 माइनस सिक्स कितना हो जाएगा आपका 9, माइनस वन माइनस वन माइनस फाइव प्लस टू माइनस थ्री, और माइनस थ्री प्लस फोर वन, ये हमारा एक्स स्क्वायर मिल गया। ठीक है, लेकिन हमको एक्स स्क्वायर तो सिर्फ नहीं चाहिए, हमको चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, माइनस सेवन सिर्फ लिखा है, तो क्वेश्चन में आपको आई भी लिखा दे सकता है या फिर ऐसा माइनस सेवन भी, तो आपको आई खुद से लगा लेना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कितना आपका 22 9 माइनस थ्री वन, उसके बाद फिर माइनस थ्री इंटू एक्स देखें तो एक्स कितना था 5 कमा थ्री कमा माइनस वन माइनस टू, और माइनस सेवन टाइम्स आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे ये सब 2 क्रॉस 2 है तो वो भी हम 2 क्रॉस 2 का ही लिखेंगे, आइडेंटिटी मतलब 1001। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया आपका जैसा लिखा है 22 9 माइनस थ्री वन, वैसे ही रखते हैं। माइनस थ्री इंटू फाइव हो गया 15, थ्री इंटू थ्री नाइन, थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, और थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स हो गया। ठीक है, अभी ये माइनस है, मल्टीप्लाई करते हैं, सेवन इंटू वन सेवन ज़ीरो ज़ीरो सेवन। अब सबको एक साथ लिख लेते हैं, तो ये आपका हो गया 22 माइनस 15, और ये इस तरफ माइनस सेवन, फिर ये माइनस सॉरी नाइन है, नाइन माइनस नाइन माइनस ज़ीरो, फिर ये माइनस थ्री माइनस माइनस थ्री, माइनस थ्री हो गया, और ये हो गया आपका माइनस थ्री, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस थ्री, और ये माइनस ज़ीरो, फिर ये वन वन लिख दिए, ये माइनस माइनस सिक्स, प्लस सिक्स हो गया, और ये माइनस सेवन हो गया। ठीक है, अगर आप देखिए यहाँ पर तो ये 22, ये माइनस पंद्रह और सात माइनस 22, नाइन माइनस नाइन थ्री प्लस थ्री सिक्स, और कहीं पर कुछ मिस्टेक है, ये माइनस छूट गया, ये माइनस है,
तो माइनस थ्री प्लस थ्री हो गया, ये जीरो हटाते हैं, वन प्लस सिक्स सेवन माइनस सॉरी सेवन माइनस सेवन हो गया, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो 22 माइनस 22 जीरो, 9 माइनस 9 जीरो, माइनस 3 प्लस 3 जीरो, ये भी जीरो। तो आप ये बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7i इक्वल टू जीरो है। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3xi को हटा भी दे तो चलेगा, माइनस 7 इक्वल टू जीरो, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8 मार्क्स का रहने वाला है और ये 2018-19 में एक एक बार आ चुका है। सेम क्वेश्चन अगर 2 बार रिपीट हुआ 1 साल के बाद तो काफ़ी चांसेस है कि आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम आ सकता है। और अगर सेम टू सेम ना भी आएगा तो आपको ये वाला वैल्यू चेंज करके सेम इस तरीके से पूछा जाएगा। ये एक क्वेश्चन एक नंबर का सॉरी एक टाइप का क्वेश्चन हमेशा कन्फर्म होता है SBTE के एग्जाम में। ओके।